हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि ग्लैम एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, SS राजामौली की RRR मूवी जिसने इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, जिसके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया है और अब ओवरसीज में भी अपना जादू चला रही है। फ्रेंड्स, मूवी जैसा कि हम सब जानते हैं कुछ टाइम पहले जापान में रिलीज़ हुई थी और जापान में भी ये रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। वो कैसे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर 1 मंथ हो चुका है इसे जापान में रिलीज हुए, उसके बाद ये मूवी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े। कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं फ्रेंड्स, वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जापान में ये नंबर 1 ग्रॉसर इंडियन मूवी बन चुकी है। फ्रेंड्स, जापान के बॉक्स ऑफिस में इससे पहले रजनीकांत सर की मुथु मूवी जो कि 1995 में आई थी, लगभग 3 डेकेड मीन्स 2 डेकेड से ज्यादा, 3 डेकेड तो एग्जैक्टली नहीं हुआ है, 2 डेकेड से भी ज्यादा इस मूवी का रिकॉर्ड था फ्रेंड्स। और फाइनली RRR मूवी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और मुथु के बारे में मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, मुथु ने कलेक्शन किया था जापान में उस टाइम लगभग 20 करोड़, और अभी RRR का 24 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस हो चुका है जापान के बॉक्स ऑफिस पे। और मुथु के बाद बाहुबली मूवी थी जिसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, पर मुथु का कलेक्शन नहीं तोड़ पाई, सॉरी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी, पर RRR ने रजनीकांत सर के मुथु मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अभी 3 टॉप मूवी जो जापान के बॉक्स ऑफिस पे राज कर रही है वो है फ्रेंड्स, नंबर 1 पे तो RRR, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ 24 करोड़ से अभी 24 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, उसी के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 पे है रजनीकांत सर की मुथु मूवी और नंबर 3 पे SS राजामौली की ही बाहुबली 2 मूवी। फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हो कि SS राजामौली सर का जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर बाहर भी चल रहा है। फ्रेंड्स, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ जो भी आपके मन में हो कॉमेंट के थ्रू शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।